हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्लांट्स एंड बर्ड्स। और सो आज हम जिस प्लांट के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं उसका नाम है डिप्सेंस लुटेसेंस। ये इसका साइंटिफिक नेम है और कॉमनली इसको गोल्डन पाम या बैम्बू पाम या गोल्डन कैन पाम के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो नेटिव एरिया है वो क्यूबा, फ्लोरिडा और मेडागास्कर, इन इलाकों में ये पाया जाता है। और आज हम इसकी रिपोर्टिंग करेंगे और साथ में आपको बताएंगे कि इसकी केयर किस तरीके से की जाती है। तो ये हमारे पास छोटे पॉट नर्सरी पॉट में आया था और हमने इसके लिए काफ़ी बड़ा पॉट ख़रीदा है। वैसे इसको आप अगर छोटे पॉट में लगाते हैं तो इसकी साइज़ छोटी रहती है, अगर आप इसको बड़े कंटेनर में लगाते हैं तो इसकी साइज़ बढ़ जाती है और इसके ऑफ शूट्स निकलते रहते हैं तो ये प्लांट काफ़ी फैल भी जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके कुछ ऑफ शूट्स निकले भी हैं। ये हमारे पास इसके ऑफ शूट्स हैं तीन। अच्छा, वीडियो में हमारी हेल्प करेंगे सुभान। हाय एवरीवन, और चलिए फिर इसको रिपोर्ट करते हैं। अच्छा, सॉइल इसके लिए हम जो ले रहे हैं वो 50% हम इसमें कंपोस्ट काउडंग ऐड करेंगे और 50% हमारे पास जो नहरी मिट्टी होती है जिसको हम बालू मिट्टी या गार्डन सॉइल भी कहते हैं वो लेंगे। तो 50-50 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे और इसके लिए बहुत ही पोरस सॉइल की ज़रूरत होती है, बेड रेन सॉइल की ज़रूरत होती है। आप इसको डायरेक्ट बालू मिट्टी में भी लगा सकते हैं। बालू मिट्टी के ऊपर भी हमने वीडियो बनाई है कि ये आपको कहाँ से मिल सकती है। और ये बिल्कुल रिच सॉइल होती है अगर आप इसमें कंपोस्ट ना भी ऐड करेंगे, क्योंकि हम प्लास्टिक के पॉट में इसको शिफ्ट कर रहे हैं तो वो बारी हो जाता है इस मिट्टी से। तो इसलिए हम 50-50 का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं इसका फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट के साथ। और अगर आपके पास पर्ल लाइट और पीट मॉस और इस तरीके की चीज़ें हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा वाटर की अगर बात की जाए इसकी तो इसको आपने हमेशा मॉइस्ट रखना होगा, लेकिन कोशिश करें कि आपका जो गमला उसमें प्रॉपर ड्रेनेज होल्स हों और उसमें पानी कड़ा ना हो। एक तो सॉइल का आपने ख्याल रखना है, वो तो पहले ही आपको हम बता चुके हैं कि किस तरीके की सॉइल आपने लेनी है। और दूसरा ये कि इसको कड़ा पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, इसकी रूट गलना स्टार्ट हो जाती है जब ये आप मुसलसल इसको पानी देते रहते हैं। मॉइस्ट से इसको हमेशा रखें लेकिन पानी से इसको दूर रखें, इसके गमले में पानी कड़ा नहीं रहना चाहिए। अच्छा, सनलाइट की अगर बात की जाए तो इसको आप पार्शियल शेड में रख सकते हैं या फिल्टर सनलाइट में रख सकते हैं या इसको फुल शेड में भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट सन में रखते हैं तो इसकी जो लीफ हैं वो जलना स्टार्ट हो जाती हैं। प्रोपेगेशन की अगर बात की जाए तो आप इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं सीड्स से, इसकी सीड्स मिलते हैं तकरीबन, इसकी सीड्स की जर्मिनेशन का जो ड्यूरेशन है वो 6 मंथ है जो कि काफ़ी बड़ा अरसा है। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट ग्रो करना चाहते हैं तो आप किसी दोस्त से आप इसका ऑफ शूट ले सकते हैं और उसके लिए आपको स्टेरलाइज नाइफ, शार्प नाइफ की ज़रूरत होगी जिसको आप कट कर सकें। तो ये इसके ऑफ शूट्स हैं, ये अलग आप काट के दूसरा प्लांट इसका बना सकते हैं। ये साथ में एक और ऑफ शूट भी है इसका, इसको भी आप नीचे से कट करके एक अलग प्लांट लगा सकते हैं, उसको भी आप वेल ड्रेन सॉइल में लगा लें और आपका एक अलग से प्लांट जर्मिनेट हो जाएगा। और गर्मियों में आप कोशिश करें कि इस तरीके के जो प्लास्टिक के कंटेनर्स आते हैं उसके नीचे काफ़ी सारे ड्रेनेज होल्स होते हैं, तो इसके लिए एक ट्रे मिलती है, वो ट्रे आप ले लें और उसके अंदर पत्थर रख दें, फिर उसके ऊपर इसको रख दें और उसके अंदर फिर पानी डाल लें। सर्दियों में आपने ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि ज़्यादा पानी से ये ख़राब हो जाते हैं, इसकी रूट गलना स्टार्ट हो जाती हैं।
अदरवाइज आपने इसको मॉइस्ट हर वक्त ही रखना है। अच्छा, सर्दियों में ये फ्रॉस्ट को भी बिल्कुल टॉलरेट नहीं करता। अगर आपने इसको बाहर रखा हुआ और फ्रॉस्ट आती है इसके ऊपर, तो ये तभी इसके लीफ जो हैं वो जल जाते हैं। तो कंटेनर को हमेशा इस तरीके से पटकें, और जब भी आप नर्सरी से प्लांट लेके आएं तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको देने वाला हूँ कि आप उसको तकरीबन 1 वीक या 2 वीक तक अपने घर में रख दें उसी नर्सरी पॉट में, ताकि वो एडजस्ट हो जाएं। अगर आप डायरेक्ट ही नर्सरी से प्लांट लेके आते हैं और डायरेक्ट ही उसको दूसरे पॉट में शिफ्ट करते हैं, तो वो प्लांट आपका स्ट्रेस में चला जाता है और उसके मरने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो ये रूट बाउल समेत ही हमारा प्लांट निकल आ चुका है, और मिट्टी की जो कम्बिनेशन हमने तैयार की है वो 50% हमने कावडंग कंपोस्ट लिया है और 50% हमने बालू मिट्टी यानी गार्डन सॉइल ली है। अगर आपके पास पर लाइट और इस तरीके से कोकोपीट या कोको हस्क मौजूद हैं तो वो भी आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं एज ए सॉइल मीडियम। लेकिन अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप सिर्फ गार्डन सॉइल में भी लगा सकते हैं, और अगर आपके पास कंपोस्ट मौजूद है, लीफ कंपोस्ट है या काउडंग मेन्योर है, तो आप 50-50 का कॉम्बिनेशन, लेकिन आपका जो फर्टिलाइजर हो, जो कंपोस्ट हो, वो वेल डिकम्पोज हो। तो अभी ही हमने प्लांट को रिपोर्ट कर दिया और इसको अच्छी तरीके से पानी देंगे। मॉइस्चर अगर आप इसके पत्तों के ऊपर भी पानी डाल सकते हैं, इसको मॉइस्चर काफ़ी पसंद है, लेकिन इसको कड़ा पानी पसंद नहीं है पॉट के अंदर। तो पानी हम अच्छी तरीके से इसको दे देंगे, और शेड वाले हमारे पास और भी पाम के काफ़ी सारी वेराइटीज़ मौजूद हैं। उस दिन भी हमने एक पाम के ऊपर वीडियो बनाई थी, ये वाला चाइनीज़ पाम, और ये आप देख लें कि इसको हमने बिल्कुल स्ट्रेस में लगाया था, इसको काफ़ी वो पुराना प्लांट था पॉट के अंदर, तो निकालने में काफ़ी मुश्किलात हुई थी हमें। लेकिन ये मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो पान है ये स्ट्रेस को टॉलरेट कर लेता है। तो यहाँ पर साइड में वैसे बैम्बू प्लांट हमारे पास पहले भी मौजूद है, एक यहाँ पर है हमारे पास और एक हमारे पास साइड में क्यारी है शेड में, वहाँ पर लगा हुआ है। लेकिन क्योंकि हमें पसंद काफ़ी है तो इस वजह से हम ये दूसरा भी लेके आए हैं, ये हमारे पास पहले वाला भी पड़ा हुआ है। और अगर आप चाहते हैं कि हम दूसरे पाम के ऊपर भी वीडियोस बनाएं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारी वेराइटीज़ हैं, लेडी फिंगर पाम है, ये तो इस सर्दी की वजह से काफ़ी ख़राब हो गया था इस बार, और इसको हमने क्योंकि साइड पर भी रख दिया था पानी की वजह से, पानी भी इसको नहीं मिल रहा था तो ये ख़राब हो गया था थोड़ा सा हमसे। लेकिन अब ये दोबारा गर्मियाँ आ रही हैं तो दोबारा ये सही तरीके से हो जाएगा। साथ में हमारे पास बोटल पाम भी लगा हुआ है और कार्डबोर्ड पाम भी उसके पीछे लगा हुआ है, और ये साथ में एरिका पाम भी हमारे पास है, तो काफ़ी सारी वेराइटीज़ हैं। और हमारे पास काफ़ी सारी कंगी फार्म के भी प्लांट्स लगे हुए हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर भी हम डिटेल वीडियोस बनाएं तो वो भी हम आपके लिए बना देंगे। एक ये है, 2-3 हमारे पास ज़मीन में लगे हुए हैं क्यारियों में, तो इसके ऊपर भी हम वीडियोस बना सकते हैं। एक वो पाम हमारे पास बरामदे में पड़ा हुआ है जिसको सुराई पाम कहा जाता है, तो वो भी है। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए मुझे और सुभान को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।